ये फुजीकुरा कंपनी का, ये हीट का बटन, ये हीट इसमें होता है फाइव का। पहले बता, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, इधर से एक फाइबर लगता है यहाँ पर, और इधर से एक फाइबर लगता है ये इलेक्ट्रोड के सामने, लगभग थोड़ा सा बचाकर दोनों फाइबर लगता है। फिर इसको बंद कर देते हैं और तो बटन दबा दिया आदमी, पावर ऑन सब देने के बाद इस बटन का यूज़ करते हुए ये स्प्लाइसिंग हो जाता है इसके अंदर में, और उसके स्प्लाइसिंग को निकाल के फिर यहाँ पे हीट देते हैं इस बटन की हेल्प से। ये हीट का चैम्बर है, ये देखिए ऐसे ऐसे से हीट देते हैं इसमें, दो चार मिनट में हो जाता है। ये सब भी बटन है, और इसका ये है, काफ़ी पुराना है एक्चुअली, इसलिए ऐसा हो गया, बहुत पुराना मॉडल में। ये इसका स्क्रीन है, ये स्क्रीन है इसका, यहीं पर डिस्प्ले होगा सब कुछ। तो यही है स्प्लाइसिंग मशीन आपका, और साइड में थोड़ा चार्जर देख लेते हैं। ये देखिए पुराना ऐसा चार्जर, ये पोर्ट सा इलेक्ट्रिक पोर्ट, साइज में साइड में देखिए, ये इनपुट वोल्ट है, ये इनपुट एसी का है, ये डीसी का इनपुट है, मतलब ये दोनों तरीके से चार्ज होगा, है ना, बहुत अच्छा है। ये आपको एसी भी इनपुट से भी चार्ज होगा, डीसी इनपुट से भी चार्ज होगा, यूएसबी देखिए पुराना वाला, बहुत पुराना, पता नहीं इसको कौन सा यूएसबी बोलेंगे। बहुत सारा पोर्ट दे रखा है इसका, यूज़ आजकल को नहीं मिलता है, आजकल सस्ता है ये, बहुत पुराना, मतलब ये 10-20 साल पुराना होगा शायद उस मॉडल का है। आर्क फ्यूजन स्पाइसर है ये, ये लगभग इस पर लिखा नहीं है ऐसे डेट वेट, डेट लिखा हुआ यहाँ पे 25/4/2000 समथिंग है, 2000 समथिंग है। यही आपका स्प्लाइसिंग मशीन।